हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएस डिज़ाइनर। मेरा चैनल में आपको ऑनलाइन फैशन डिज़ाइन कोर्स, इसके साथ टेलरिंग डिटेल, ब्लाउज का मेजरमेंट, ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग, ये सब साथ में सिखा रही हूँ। आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज में कुछ डाउट रहेगा तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के शेयर किया है, चाहे तो वो वाला वीडियो चेक कर लो। आप पहला बार मेरा चैनल देख रहे हो तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका आगे वाला कटिंग एंड स्टिचिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, वो वाला वीडियो ये वाला वीडियो तो एंड में देगी, फिर करके चेक कर लो। मैं अभी बना रही हूँ बैक साइड पार्ट। अभी इसका पूरा कॉर्नर पे सिलाई करके ले रही हूँ। ये वाली सिलाई होने के बाद गला में एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको कटिंग करके निकाल देंगे। ये निकालने के बाद कपड़ा को पीछे टर्न करके आगे डाल के ले लेंगे। अब इसमें मैं जिप लगाने वाली हूँ। जिप लगाने के लिए हमारा कपड़ा के हिसाब से इसको एडजस्ट करके ले लेंगे और ऊपर से मैं सीधा सिलाई करके लेने वाली हूँ। ये सिल के होने के बाद इसका बाजू साइड में भी कपड़ा रख के इसको भी सिलाई करके ले लेंगे। अभी एक्स्ट्रा जिप को कटिंग करके निकाल देंगे। इसमें गला सिलाई करके लेना है। गला सिलाई करने के लिए मैं 1 इंच में क्रॉस पट्टी कटिंग करके रखा है। अभी इसको ही गला में रख के 1/2 इंच में सिलाई करके लेके आ रही हूँ। ये सिल के होने के बाद इसको पीछे टर्न करके ऐसा मोड़ के अभी इसमें सिलाई करके ले लेंगे। बाजू वाला साइड में भी सेम ऐसे ही गला सिलाई करके लेना है। हमारी पूरा बैक साइड रेडी हो गया। अभी बैक साइड होने के बाद हाथ का कटिंग करके लेंगे। हाथ का लंबाई देखो 3.5 है, प्लस 1/2 इंच सिलाने के लिए छोड़ के मैं टोटल 4 इंच रखने वाली हूँ। और हाथ का राउंड शेप देखो 3 इंच है, प्लस 1.5 इंच सिलाने के लिए छोड़ना है। ये पूरा होने के बाद नीचे साइड से 1.5 इंच पर एक मार्किंग करके इधर से हमारा स्लीव्स का गोलाई शेप देना है। अभी इसमें 1/2 इंच में एक्स्ट्रा देख के अभी हमारा पूरा स्लीव्स रेडी हो गया है। इसको कटिंग करके निकाल देंगे। लाइनिंग कपड़ा में होने के बाद इसको मेन फैब्रिक में रख के सिलाई करके लेंगे। सिलाने वाला कपड़ा का पैटर्न सामने होना चाहिए, इसके ऊपर हमारा लाइनिंग कपड़ा रख के 1/2 इंच पहला सिलाई करके लेंगे। ये सिलने के बाद अभी इसमें हमारा हाथ का शेप कैसे है उस हिसाब से कटिंग करके निकाल देंगे। ये होने के बाद अभी हाथ का किनारे साइड पे सिलाई करके लेंगे। सेम ऐसे हमारा बाजू वाला हाथ का भी सिलाई करके ले लेना है। ये सिलाई होने के बाद मैं फ्रंट और बैक साइड दोनों को साथ में रख के सिलाई करके लिया है फ्रॉक का। अब ये होने के बाद इसमें हम हाथ अटैच करके ले लेंगे। जैसे बाजू साइड में भी हम हाथ अटैच करके ले लेंगे। दोनों साइड हमारा हाथ लेने के बाद इसको अभी फिटिंग करके लेना है। मैं हाथ का फिटिंग का निशानी वगैरह सब मार्क करके लिया है, उसी हिसाब से इसको सिलाई करके ले रही हूँ। आप फ्रॉक सिलाने समय आपका मेजरमेंट कैसे है उस हिसाब से मार्किंग करके स्केल से लाइन देने के बाद ये वाला सिलाई करके ले लो। ये सिलने समय पीछे बांधने वाला बेल्ट को भी इसका अंदर रख के सिलाई कर रही हूँ। सीधा रख के 4 इंच तक नीचे मैं सिलाई करके लिख जा रही हूँ। फिर ये सिलाई होने के बाद इसको फ्रॉक को ऐसा आगे टर्न करके 1/2 इंच पे छोड़ के अभी इसमें भी सिलाई करके लेना है। अभी तक हम पूरा ऊपर का ही सिलाई करके लिया है, इसके बाद हम बॉटम में सिलाई करके लेना है। बॉटम फ्रॉक को देखो ऐसा अलग अलग कर दो, आपका लाइनिंग का कपड़ा ऊपर रहने दो और आपका मेन फैब्रिक नीचे रहने दो। अभी इसमें से रख के इसको सिलाई करके ले लेंगे। ऐसे इसको आगे टर्न करके इसको भी सिलाई करके ले लेंगे। अभी हम लाइनिंग को अटैच करके लेंगे।
ये लाइनिंग देखो, हमारा फ्रॉक पहला सिलाई किया था ना, उसको बराबर अंदर घुसा के सिर्फ लाइनिंग पे रख के इसको सिलाई करके लेना है। लाइनिंग में भी ऐसा रिवर्स करके डबल सिलाई करके ले लेंगे। अभी हम बेल्ट का कटिंग देखेंगे। बेल्ट का कटिंग के लिए पहला कपड़ा को मैं दो फोल्ड करके फिर इसको और एक फोल्ड करके ले रही हूँ, मतलब चार फोल्ड हो गया है। अब ये चार फोल्ड में हम बेल्ट का निशानी करके लेना है। आपको चाहिए तो आप टाचनी भी लगा के यूज़ कर सकते हो, मैं टाचनी लगा रही हूँ ताकि कपड़ा आपको इधर उधर हिलेगा नहीं। अभी बेल्ट का लेंथ देखेंगे। देखो बेल्ट का लेंथ में 16 इंच रखने वाली हूँ और बेल्ट का चौड़ाई देखो 1.5 इंच लेने वाली हूँ। अभी 1.5 इंच में निशानी करके बीच में भी थोड़ा आपको निशानी करके लेना है, वो देख लो कैसा निशानी लेना है करके। बीच में मैं 2 इंच मार्क करने वाली हूँ और एकदम नीचे में 2.5 मार्क करके लेने वाली हूँ। ये 2.5 मार्किंग करके होने के बाद ये पूरा निशानी को स्केल से लाइन दे देंगे। अभी नीचे तक लाइन होने के बाद बराबर 2 इंच में गैप रख के इसको मार्किंग करके ले लो। अब ये 2 इंच से नीचे ऐसा क्रॉस में एक लाइन दे दो ताकि ये शेप परफेक्ट आना चाहिए। अब इसको कटिंग करके निकाल देंगे। अभी हमने किधर निशानी लगाया उधर सिलाई करके लेंगे। हमने 2 फोल्ड करके सिलाई किया था ना, तो दोनों भी एक ही फोल्डिंग में रहेगा, तो सीधा ऐसे सिलाई करके लेके आएगा तो आपको दोनों भी एक ही साथ में हो जाएगा। ये देखो मैं बताती हूँ, क्योंकि हमने कटिंग करके अलग अलग पीस करके निकाला नहीं, तो इसकी वजह से सीधा सिलाई करके आएगा तो दोनों साइड आपका बेल्ट रेडी हो गया है। अब ये पूरा सिलाई करके होने के बाद दोनों को इक्वल रख के दोनों का बेल्ट भी अलग अलग कट करके निकाल दो। अब ये होने के बाद इसको आगे टर्न करके पीछे साइड से लेना है। देखो हमारा पीछे लगाने वाला बेल्ट पूरा रेडी हो गया है। वो फिटिंग करने से मैं इसको ही मैं बीच में लगा के सिलाई किया था। अभी देखो हमारा टोटल फ्रॉक रेडी हो गया है। इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखो आपको मेरा चैनल में कुछ नया सीखने के लिए मिला रहेगा तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आपका फ्रेंड्स या रिलेटिव कोई टेलरिंग कर रहे तो उनके लिए मेरा चैनल सजेक्शन करो, क्योंकि मैं बिजनेस के लिए बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करते जा रही हूँ। इसका कटिंग वीडियो चाहिए तो ये वाला वीडियो क्लिक करके चेक कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विद बीएस डिज़ाइनर।